हे गाइस, दिस इज रोनक और आज हम बात करने वाले हैं वीवो के इस स्मार्टफोन के बारे में जो कि आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स मिल जाता है। तो ये है वीवो Y95 जो कि 20 मेगापिक्सल AI सेल्फी के साथ आता है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो बॉक्स के पीछे अगर देखें तो कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे हेलो फुल व्यू डिस्प्ले दी हुई है, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया हुआ है और 4030 mAh की बैटरी दी हुई है। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे नेबुला पर्पल मॉडल है। अगर इसकी प्राइस की बात करें जो कि बॉक्स पर लिखी हुई है वो है 18990, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन ये काफ़ी सस्ता बिक रहा है इस प्राइस से। तो यहाँ पे चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का आपको ये स्मार्टफोन मिलता है। तो ओपन करने के साथ आपको एक बॉक्स मिल जाता है, तो शायद इसमें आपको एक कैरिंग केस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको ये ट्रांसपेरेंट केस दिया हुआ है अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये लोग इसी में आपको इंक्लूड करके दे रहे हैं। तो चलिए फटाफट हमारा स्मार्टफोन निकलते हैं बाहर और क्या है एक्सेसरीज इसके अंदर वो हम देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको स्मार्टफोन मिलता है। इसको रखते हैं हम साइड में, पहले देख लेते हैं कि क्या है बॉक्स कंटेंट। इसमें आपको दिया हुआ है कुछ पेपर वर्क, उसी के साथ आपको सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर हम चार्जर की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको चार्जर मिलता है, जहाँ पे आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आउटपुट दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो और कुछ चीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको हेडफोन भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारी कंपनियाँ हेडफोन नहीं देती, लेकिन यहाँ पे वीवो ने दिए हुए हैं। कुछ एप्पल ई स्टाइल आपको हेडफोन दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके का आपको हेडफोन मिलता है। यहाँ पे आपको माइक्रो USB to USB का केबल दिया हुआ है चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफ़र के लिए, तो कुछ इस तरीके का आपको वो भी मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें रखते हैं साइड में, पहले देखते हैं कि अब हमारा स्मार्टफोन कैसा है। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको मिलता है, तो इसको निकाल देते हैं हम बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके का स्मार्टफोन है और किस तरीके का नेबुला पर्पल आपको मॉडल मिलता है। तो काफ़ी दिखने में तो अच्छा लग रहा है और फील भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। राइट हैंड साइड आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिल जाएगा। बॉटम में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक, चार्जिंग के लिए पोर्ट और स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है। अपर साइड आपको कुछ मिलता नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड आपको सिम डालने के लिए जगह मिल जाती है। पीछे की ओर देखें तो आपको 2 रियर कैमरा मिल जाते हैं और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। और चलिए इसको हम बूट कर लेते हैं। तो बूट करने के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है पावर बाय एंड्रॉयड और कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन मिल जाती है। तो स्क्रीन है 6.22 इंच हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, जो कि आपको एक नॉच के साथ मिलती है, छोटी सी वाटर ड्रॉप नॉच आप बोल सकते हो। व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया इसका व्यूइंग एंगल। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाता है यहाँ पे। चलिए सेटिंग में आपको दिखाता हूँ अबाउट सेक्शन में जाके कि आपको क्या कुछ इसमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम मोर सेटिंग में जाते हैं, तो मोर सेटिंग में जाने के बाद आपको फर्स्टली अबाउट फ़ोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फन टच OS का सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको 4GB की रैम और 64GB इनबिल्ट दी हुई है इस मॉडल में। और यहाँ पे अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है 1.95 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर पे काम करता है। तो चलिए मैं आपको सिम की ट्रे दिखा देता हूँ कि किस तरीके की आपको यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे इसको हम निकाल देते हैं बाहर और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है और 2 सिम आप आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको हाइब्रिड स्लिम स्लॉट नहीं मिलता है। अब हम इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर देखते हैं कि किस तरीके का काम करता है। तो यहाँ पे इसको हमने लॉक कर दिया और यहाँ पे मैं अपनी फिंगर टच करता हूँ, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव मुझे लगा और काफ़ी मुझे पसंद आया। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि कितना फास्ट और एक्यूरेट है, तो ये काफ़ी मुझे पसंद आया। उस फिंगरप्रिंट स्कैनर की साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम फेस अनलॉक देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा फेस में रजिस्टर करूँगा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये भी कितना एक्यूरेट काम करता है, कितना फास्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे इसने हमारा फेस ले लिया 100% और रजिस्टर कंप्लीट हो गया। अब हम उसको ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ
इस तरीके के ओपन हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी फास्ट लगा मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर के जैसे। तो यहाँ पे आप खुद आप देख सकते हो कि कितना तुरंत ही ये कैप्चर कर लेता है हमारा फेस। तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये फेस अनलॉक भी इसका, और काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। तो अब हम बात करते हैं कैमरे की। तो यहाँ पे जो रियर में दो कैमरे है वो है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, जो कि सेकेंडरी कैमरा है वो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए आपको यहाँ पे यूज़ होता है। इसमें आपको AI का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको कैमरा इंटरफेस दिया हुआ है, और सेटिंग में जाए तो काफ़ी सारे सेटिंग यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो आप ये सारी सेटिंग यूज़ करके अपने अच्छे से फ़ोटोज़ खींच सकते हो। अगर हम वीडियो की बात करें तो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको तीन तरीके की वीडियो आप शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट 720p है, उसके बाद आपको 1080p दिया हुआ है और 480p दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ आपको 1080p का सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। उसके अलावा यहाँ पे आपको AI स्टिकर का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि दोनों फ्रंट एंड रियर कैमरे में AI का सपोर्ट दिया हुआ है। ये कुछ फ़ोटो सैंपल है रियर कैमरे से, तो आप देख सकते हो, अपने आप जज कर सकते हो कि किस तरीके के आपको फ़ोटो लगे। अब हम बात करते हैं सेल्फी कैमरे की, जो कि 20 मेगापिक्सल AI फेस ब्यूटी के साथ आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के फंक्शन मिल जाते हैं। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो प्रोफेशनल सिर्फ आपको रियर में मिलता है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में एक ग्रुप सेल्फी का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। फेस ब्यूटी दिया हुआ है, नॉर्मल फ़ोटो, AI स्टिकर दिया हुआ है। अगर हम सेल्फी में वीडियो की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 1080p, 720p और 480p का सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देती है, और इस तरीके के कुछ सेल्फी फ़ोटो मिलते हैं। कुछ बोके इफेक्ट इस यहाँ पे दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी बोके इफेक्ट आपको मिलती है इस सेल्फी कैमरे से। तो अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 4030mAh की बैटरी दी हुई है, और आप अगर ख़रीदना चाहो तो नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको Amazon और Flipkart के लिंक दी हुई है। अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो मुझे काफ़ी पसंद आया उसका कैमरा, उसका बिल्ड क्वालिटी और उसके जो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हम कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।